हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, YouTube का ऐसा अपडेट आ जाता है कि आप सभी यूट्यूबर के लिए चौंकाने वाली बात है कि आप वीडियोज अपलोड करते हो तो आप अपने वीडियोज को क्या करते हो, पब्लिक कर देते हो, या तो प्राइवेट रखते हो या तो अनलिस्टेड रखते हो। अनलिस्टेड जितने भी वीडियो है, मान लीजिए कि आप वीडियोज बनाते हो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए वीडियोज, आप क्या करते हो, वीडियो को अपलोड कर देते हो, अनलिस्टेड वीडियो रख लेते हो, प्राइवेट रख लेते हो, उस वीडियोज को अनलिस्टेड वीडियो को एनालिसिस कर लेता है YouTube। आप यदि अनलिस्टेड वीडियोज रखना चाहते हो तो YouTube का एक फॉर्म फिलअप होता है जिसमें आपका चैनल नाम लिखना होता है, आपका कितना वीडियोज है, आप उस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तभी जाके आप अनलिस्टेड वीडियो रख सकते हो बाय कायदा अनुसार, नहीं तो आप अनलिस्टेड वीडियो नहीं रखते हो। मैं भी जब मैं स्टार्टिंग किया था तो मैं बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर देता था, धीरे धीरे जो है सो प्राइवेट करता, पब्लिक कर देता था वीडियो। अब जितने भी यूट्यूबर है, आप यदि वीडियोज अपलोड करते हो तो आप अपने वीडियोज को अनलिस्टेड रखते हो, उसके बाद में पब्लिक कर देते हो। आपको ये नहीं करना है क्योंकि आप अनलिस्टेड वीडियो ज़्यादा दिन रह जाएगी तो ऑटोमेटिक जो है सो यूट्यूब रिमूव कर देगा उस वीडियोज को। तो आपको जो भी वीडियोज आप अपलोड करते हो तभी आप अपने उस वीडियोज को पब्लिक कर दे, तभी जाके आप वीडियोज आप रखना चाहते हो तो इस फॉर्म को फिलअप करके आप रख सकते हो। तो ऐसा अपडेट आ जाता है कि आप मान लीजिए कि कहीं पर जा रहे हैं, आप 10 वीडियोज शूट करके रख लिए हो, आप सारे वीडियोज को अपलोड कर दिए और उसको अनलिस्टेड रख लिए, तो वो वीडियो ऑटोमेटिक रिमूव हो सकता है। तो ऐसा अपडेट आया है YouTube पर, मेरे श्योर नहीं हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ, मगर ये अपडेट जो है आया है। तो दोस्तों, मेरा जो भी था मैंने आप लोग के साथ नॉलेज शेयर किया, ऐसे ही वीडियोज में बने रहिएगा क्योंकि YouTube से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, YouTube टिप्स ट्रिक्स और कोई भी अपडेट आता है YouTube का तो वो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोज को लाइक जरूर करना। फिर मिलता हूँ नए टॉपिक पे, नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।